दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल विद कार्तिक में तो दोस्तों आज हम लोग मनी प्लांट के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इसका प्रोपोगेशन इसका सॉयल मिक्सचर और इसके कुछ केयर के बारे में भी तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके आज सॉयल मिक्सचर की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर विंटर में देखा जाए तो दोस्तों आपको ऐसे ड्रेनेज होल इसमें ज़रूर बना लेने हैं गमले में क्योंकि ठंडियों में अब हमारा ये मनी प्लांट का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाता है और रूट बाउंड की वजह से भी दोस्तों कभी कभी मर जाता है तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों मैंने सॉयल मिक्सचर बना लिया है तो दोस्तों मैंने इसमें सेवेंटी परसेंट अपनी गार्डनिंग सॉयल मिलाई है और थर्टी परसेंट हमारी खाद मिलाई है तो दोस्तों अब हमें अपने पौधे को इसी में रिपोर्ट कर देना है तो चलिए रिपोर्ट कर देता हूँ मैं देखिए दोस्तों मैंने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है और चलिए अब इसके कुछ केयर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो पोतोज़ है इसको लो मेंटेनेंस प्लांट है ये दोस्तों इसको कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहती है पर अगर आप इसमें थोड़ी सी भी केयर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसके सॉइल में एक बारे में आपको मैंने बता दिया और दोस्तों वाटर की बात करें तो आपको अपने एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें वाटर देना है अगर आपके यहाँ पर बहुत ही जल्दी सूख जाता है पानी तो आप इसको रोज़ भी पानी दे सकते हैं और रोज़ अगर नहीं सूखता है आप कम दिनों में सूखता है तो आप इसको क्या करें कि चार दिन पाँच दिन बाद पानी दें और मॉइस्चर मेंटेन करें दोस्तों ज़्यादा पानी ना डालें ओवर वाटरिंग की समस्या की वजह से प्लांट डाई भी कर सकता है इसलिए पानी थोड़ा देख के डालें और दोस्तों इसको सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सनलाइट में आप इसको रखें जिससे कि आपको इसकी पत्ती का कलर भी देखने को बहुत अच्छा मिलेगा और पत्ती की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और बिग साइज़ की पत्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी और दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताऊं तो फर्टिलाइज़र आप इसमें गोबर की खाद दीजिए और कई सारे कंपोस्ट आते हैं कंपोस्ट आप इसमें दीजिए अपनी ऑर्गेनिक खाद दीजिए इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए मनी प्लांट दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लांट है ये मैक्सिमम हर घरों में होता ही है और इसकी काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ भी हैं वास्तु के हिसाब से और हमारे मेडिसिन वैल्यूज़ भी काफ़ी हैं इसमें तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस दोस्तों डाल दी हैं तो आप जाके तुरंत देख लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय